जमीन दुनिया में जिंदगी पैदा हुई, जानदार डेवलप हुए और कैसे कैसे बढ़े और उसके अंदर क्या क्या हैरत अंगेज चीजें हैं वो भी मैंने बताया। ये सब बताने के बाद अब मैंने ये तरीका निकाला है कि ये किताब को जल्दी आपके सामने खत्म करने के लिए मैं ये करूंगा कि अभी पहले जैसे पॉइंट निकाल के, इसमें से पॉइंट निकाल के उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि एक एक पेज इसका पढ़ूंगा। एक एक पेज पढ़ने के बाद आपको आपको सामने इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा ताकि जल्दी हो जाए। और आज के चैप्टर में मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा और फिर अपने इस्लाम की स्टडी के ऊपर आ जाते हैं। आज से इंशाल्लाह अपना इस्लाम की स्टडी पे डायरेक्ट चैप्टर शुरू हो जाएंगे और आज से शुरू करूंगा। मैं जो अभी समराइज करने के लिए टॉपिक लिया हूँ, तकदीर के बारे में मैंने इससे पहले बताया था कि तकदीर, नसीब और किस्मत ये क्या है। इसके बारे में जो आम मशहूर है अवाम में, लोगों में जो मशहूर है, और वो ये है कि जो तकदीर है वो पहले से लिखी हुई है। तकदीर का अल्लाह ताला जानने वाला है और हर इंसान की, हर पूरी कायनात की तकदीर उसकी पैदाइश से पहले से अल्लाह को मालूम है और ये लिखी हुई है, ऐसा है। तो अब लोगों के दिल में ये शक पैदा होता, बहुत से आजकल के जदीद जमाने के लोग ये ऑब्जेक्शन ले सकते कि जब ये पहले से लिखा हुआ है हमारी तकदीर में, अच्छा होना बुरा होना, या हमने कोई अच्छा काम करना या हमने कोई बुरा काम करना, कोई जुर्म करना, अगर वो पहले से लिखा हुआ है तो उसमें हमारा क्या कसूर है। इसके बारे में भी मैंने पिछले चैप्टर में अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया, आज खाली समराइज करके गुजर जाऊंगा। इसकी मिसाल मैंने दिया था वीडियो गेम की। पहले जमाने में टीवी के ऊपर गेम खेलते थे, कैसेट आता था उसको लगाते थे और बाद में हाथ में एक जॉय स्टिक होती थी, हम लोग उससे कार रेसिंग खेलते थे। पहले जमाने में कार रेसिंग के ही गेम थे, वो भी ऐसे तस्वीर के जैसे बने हुए थे, बहुत खूबसूरत नहीं रहते थे, खाली एक नुक्ते रहते थे जो ऐसा ऐसा रोड पे से चलते थे। उसके बाद वो बहुत डेवलप हुए, वीडियो गेम डेवलप हुए और उसमें क्रिकेट के गेम आ गए, उसमें वॉलीबॉल आ गए, फुटबॉल आ गए और कार रेसिंग का नीड फॉर स्पीड बोल के आ गया और GTA वाइस सिटी बोल के आ गया जो माफिया का गेम था। उसके बाद फाइटिंग के आ गए, जंग के आ गए, खजाने लूटने के आ गए और रेसिंग के आ गए, बहुत सारे गेम आ गए। और आजकल तो इतने लेटेस्ट हो गए कि आज एंड्रॉयड फोन के ऊपर लोग गेम खेल रहे हैं और हर किस्म के गेम खेल रहे हैं। और उसके अंदर ये होता है गेमों में कि वो गेम जो है कोई लिखने वाले, कोई प्रोग्रामर जो बनाते हैं वो एप्लीकेशन, वो उसके बारे में पूरा स्क्रिप्ट लिखते हैं, पहले उसके बारे में पूरा लिखते हैं। और वो गेम आजकल तो कई कई GB के आ गए, 4 GB, 5 GB, 3 GB, ऐसे गेम आ गए जो कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं, लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हैं, एंड्रॉयड पे खेल रहे हैं। तो आजकल वो गेम के अंदर ऐसा होता है कि वो जब गेम हम देखते हैं खेलते हैं, जैसे नीड फॉर स्पीड है कार चलाने का है, तो हम उसमें कार सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, रोड सेलेक्ट कर सकते हैं और इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, शहर में चलाना है क्या, गाँव में चलाना है, अकेला कार चलाना है कि टूर्नामेंट में चलाना है बहुत सारी कारों के साथ, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देख भी सकते हैं अपने आप को कि हम कार के विंड स्क्रीन में से देख रहे हैं कि हम बाहर से कार को हमारी देख रहे हैं ऊपर से, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम कार चलाते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के रास्ते, जंगल, सिटी, गलियां सब आती है उसके अंदर, सामने से कारें आती है, हर्डल आती है, सब आती है। हम अपनी स्किल से उसको कार चला सकते हैं और जीत सकते हैं। जो भी ज्यादा से ज्यादा स्किल से खेलेंगे वो हर गेम, जितने वीडियो गेम है सब जीत सकते हैं। मगर हम उसमें देखते हैं कि अगर हम हमारी स्किल से नहीं खेले तो हम हार जाते। जब हम गेम हार जाते, हम जब देखते कि हार जाते, या सामने वाले फाइटिंग से फाइटिंग करते रहते, या गोलियां चलाने AK-47 लेके जब हम गोली चलाते दुश्मनों को मारते, उस वक्त भी हम देखते कि हम अगर अपनी स्किल से मारे तो सामने वाला गिर जाता, मर जाता, उसका खून निकल जाता, वो अपने आप को धमाके से उड़ा लेता, ये सब हम चीजें देखते। अगर हम गलती करें तो हमारा क्या हशर होता वो भी नजर आता वो गेम में, स्क्रीन के ऊपर। और अगर हम जीत जाते, जैसे कार चला रहे हैं, जीत रहे हैं, तो हमारे लिए लोग खुशियां करते, चीरिंग करते, आतिशबाजी होती, फायरवर्क्स होते, हम देखते हैं हमारे, हम जीत गए, फिर हमको ट्रॉफी मिलती, ये सब बातें वो गेम में पहले से लिखी हुई रहती, वो जो स्क्रिप्ट रहती उसकी पहले से लिखी हुई रहती। और कोई खेलने वाला ये नहीं बोल सकता, ये गेम खेलने वाला, ये तो सब पहले से लिखा हुआ है, हारना जीतना, हारने के बाद क्या होगा, जीतने के बाद क्या होगा, पूरे मंजर, पूरे सीन्स लिखे हुए हैं, फिर हम क्यों खेले। नहीं, इसलिए नहीं कि आपकी स्किल पे है, वो गेम तो बनाया है पहले से, हर चीज लिखी हुई है, आपका अच्छाई बुराई सब लिखी रहती है उसके अंदर, मगर गेम अपनी स्किल पे रहता प्लेयर के। वैसे ही दुनिया की जो किस्मत है, कायनात की जो किस्मत है, इंसानों की जो किस्मत है, अल्लाह को मालूम है, पहले से सब लिखा है, मगर वो अपने इंसानों की स्किल पे रखा है। अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल दिया है, फ्री विल दिया है, इरादा से काम करने की, सोच समझ के करने का उसके अंदर क्वालिटी दिया है। तो इंसान अपनी स्किल से जीत सकता, सही रास्ते पे चल सकता, इंसान जो है अपनी स्किल से अगर दुनिया में रहे तो सही रास्ते पे पहुंचेगा, अगर अपनी खराब स्किल दिखाए तो गलत रास्ते पे पहुंचेगा। दुनिया के अंदर अल्लाह ने इंसान की हिदायत का भी इंतजाम किया हुआ है, सही गाइडेंस का भी किया है, और शैतान भी है दुनिया में जो इंसान को गुमराह करने के लिए भी एक उसका प्रोग्राम है, प्रोग्राम पूरा चल रहा है, जैसा पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि शैतान का भी एक इंसान को, इंसानियत को